हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 6 और मैं आज उठ गया था जल्दी, कहीं रात को गए थे, कल जाना पड़ गया था कहीं पे, और शिवा भी कल रात सोया ही नहीं है पूरी रात। शिवा, वो शिवा चिपू चिपू, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, तो क्या चाय बना रही? गुड मॉर्निंग होगा कि नाइट होगा? और ये बना रही है मेरे लिए चाय अभी फिलहाल सुबह, कल रात तो सोया ही नहीं बिल्कुल भी जरा से भी। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अभी बज रहा है 10 और हमारी सुबह बहुत लेट हो रही है क्योंकि हम सुबह 6 बजे सोए, 6 साढ़े 6 बजे लग सोए होंगे हम। वो भी सोना भी क्या है, वो टूटी फूटी नींद ही होती है, लेकिन उठ गए थे हम 9 बजे, हस्बैंड कहीं चले गए हैं फिर से सुबह जल्दी जल्दी, आज कुछ काम था। और हमारा गुन्ना, मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सो नहीं रहा। अगर ये सोएगा तो मेरा नाश्ता वगैरह बनेगा, लेकिन ये सो नहीं रहा है तो इसलिए देखते हैं। सोता है तो ठीक है, तब मैं और काम करूँगी। और आज ना मुझे हेयर वॉश वगैरह, मेरे बाल बहुत ही गंदे हो गए हैं, मतलब धुलने हैं। मैं नहाऊँगी थोड़ी देर बाद, जब अगर ये सोएगा, या भाभी को दे दूँगी, भाभी फ्री होंगी जब, तो अभी पहले मैं इसे सुलाने की कोशिश करती हूँ, पानी गर्म करूँगी, फिर हस्बैंड भी आएंगे, उनके लिए भी नाश्ता बनाना है। देखते हैं कब तक आते हैं, फिर मैं अब काम करती हूँ घर का इसको सुलाने के बाद। अभी ना बज रहा है 11:30, लगभग 12:15 हो गया होगा। अब मेरी हो रही है पराठे बनाने की तैयारी, ये आटा है, ये चाय बन रही है और ये नाश्ता बन रहा है इनके लिए, ये अभी आए हैं ना, और हालत ऐसी हुई है इनकी सबकी। भूख लग रही है मुझे। हाँ, बस इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं। बना दे, फिर वहाँ जाना है, सामान ले लिया। सामान ले जाना अभी दोबारा? उनका तेरी ना। अच्छा, मामा की तबीयत ठीक है? मामा की तबीयत ठीक है। चलो ठीक है, बनाती मैं नाश्ता। गुड आफ्टरनून, अभी दिन का 1 बज रहा है और नहा लिया मैंने, कपड़े तो धुले नहीं अभी क्योंकि शिवा भी है बाहर पे और शिवा के पापा मंडी गए हुए हैं। और हमारे खाना बनाने की तैयारी हो रही है, मैं आटा गूंद लेती हूँ पहले फटाफट से, चलिए खाना बनाएंगे फिर। खाना वैसे आधा उधर बन रहा है, भाभी बना रही है ना, तो मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 2 बज रहा है और अभी हमारा खाना पीना नहीं हुआ है, तो उससे पहले मैंने कपड़े धो दिए ये, और मैं इनको छत में फैलाने के लिए जा रही हूँ। ये कपड़े तो मैंने फैला लिए यहाँ पे, ये सारे फैला लिए धो करके, ये कल शाम के कपड़े थे ना, ये सूख गए हैं, इनको नीचे लेके जाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ। खाना यही बनाया तो आज ये बनी है यहाँ पे मसूर की दाल, अरे सांदले के फूल बोलते हैं उनकी सब्जी, और ये आलू की सब्जी, यही बनाया आज खाना। चलिए मैं खाना खाती हूँ। ये देखो इस गंदे बच्चे की, लोगों ने तो मक्खन खाया छोटे में, इसने तो मेयोनीज खाई और उसकी अभी भी नज़र इस पे है, प्लेट पे। खाना खा लिया था मैंने और अभी मैं इनके लिए पानी लगा दूँगी रोटी गर्म करने के लिए, क्योंकि ये आ गए हैं, और साथ में मेरी बन रही है चाय और ये है गुड़ वाली रोटी और ये केक। इनकी हालत कैसी हो रही है आज? हाँ, चाय रखी हुई है, बन रही है। क्या हो गया? कुछ नहीं, टांगे दर्द हो रही, दबा दो। दबा दूंगी कौन सी इसमें नई बात है इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इनके लिए पानी लगाया है ये रोड पे, गर्म होगा, नहा लेंगे। बस हमारा, अरे हमारा शिवा सोया है, और पता इतनी थकान सी हो रही है ना, कपड़ों की तह लगानी है, ये भी नहीं लगाई, और ये मेरे लिए कार्डिगन लेके आए थे, ये बाद में दिखाऊंगी मैं, मैंने ये भी चेक नहीं करी कैसी है क्या है। अब मेरी चाय उबल गई,
मेरी चाय गिरने वाली थी, चलिए चाय पीते हम। अभी ना शाम का 5 बज रहा है और ये ना सोया हुआ था और इसने मेरी आवाज़ सुनी और थोड़ी बहुत आंखें खोल दी। ये कैसे सोया है यहाँ देखिए। अब मैं सोच रही हूँ ना मैं छत से कपड़े ले आऊँ, लेकिन जैसे ही जाने के लिए वो कर रही हूँ, उठ रही हूँ या दरवाज़ा खोल रही हूँ, इसका बाजा बजा रहा है और इस महाराज जी को गोद में सोना है, गोद में। कल ना सागर, रात को सागर मतलब रात भर नहीं थे यहाँ घर पे, तो बाद में बताएंगे आपको कि वो कहाँ गए थे। अभी भी वो गए हुए हैं। आज शॉप भी बंद रखनी पड़ी, आज क्या करें, इतना मतलब ज़रूरी काम था इसलिए शॉप बंद करी। फिर आज आएंगे, बाद में आएंगे, फिर बताएंगे आपको कि हम मतलब ये कहाँ थे रात भर कल। और इस वैसे तो हमें मतलब इतना मतलब बात हुई ऐसी गई थी कि नींद भी नहीं आई कल रात को, रात भर नींद नहीं आई। फिर क्या हुआ, सुबह 4 बजे से इसने फिर परेशान करना शुरू कर दिया। फिर से ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बिस्तर पर लेट ही नहीं रहा था, थोड़ा लेट रहा था, फिर रो रहा था, फिर गोदी में लेना पड़ा। फिर सुबह 6:30 बजे हम सोए होंगे, फिर 6:30 बजे से 1.5 या 2 घंटे नींद आई होगी। वो भी होता है ना, सुबह कहाँ आती है नींद ज़्यादा। तो ऐसे ही रहा, 9:30 बजे लगभग उठे बिस्तर से, 10 बजे बाद किया मैंने काम शुरू। अरे ये तो अपनी नींद अभी ऐसे पूरी कर लेगा, फिर रात को वही देखते हैं इसकी तबीयत कैसी रहती है रात तक। एक ना मुझे लग रहा है इसके ना वो हो रहा है दांतों में, अब छठवां महीना लग गया, तो कभी कभी ये होता है कि दांत मत मसूड़े मतलब हो जाते हैं दांत आने के लिए, तो इसलिए दिक्कत हो रही होगी इसको। नहीं तो वैसे तो ठीक है कि कोई सर्दी जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, लेकिन बुखार सर गर्म रह रहा है इसका, तो इसी वजह से रह रहा होगा। अगर ये लेटता है तो मैं कपड़े ले आती हूँ छत से, अगर लेटता है तो। और मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आई, वही होता रात की नींद रात ही की होती है, चाहे दिन में लेट जाओ कुछ भी आई नहीं, बेचैनी बेचैनी सी हो रही, नींद आई नहीं। चलिए मैं कपड़े लेके आती हूँ, लेटाती हूँ इसे, ये देखिए नींद आ गई, अब देखती हूँ सोता है कि नहीं सोता है। अभी मैं छत में जा रही हूँ कपड़े लेने, सिवा सोया है, अभी जाती हूँ कपड़े लेने। कपड़े लेने आई हूँ मैं छत में, भी वो है हमारे कपड़े। और यहाँ पे ना अभी अच्छी अच्छी सी हवा चल रही है, ये धूप भी अच्छी खिली हुई, आज धूप थी काफ़ी अच्छी सी। चलिए कपड़े लेके नीचे चलती हूँ, अच्छा लग रहा है अभी ये हमारे कपड़े। जाती हूँ नीचे, जा रही हूँ मैं नीचे, और मेरे बाल ना हवा में पूरे उड़ गए, बहुत ही अच्छी सी। ले आई मैं कपड़े नीचे, और ये कुछ सूखे हैं कुछ गीले हैं, सूखे यहाँ रख दूँगी अंदर, गीले बाहर फैला दूँगी। ये कपड़े फैला दिए मैंने यहाँ पे, जितने भी कपड़े गीले थे फैला दिए बाहर। अंदर चलती हूँ, देखती हूँ महाराज जी उठे तो नहीं, नहीं उठाए अभी। और मैं सोच रही हूँ ना ये कपड़े पड़े हुए मेरे बग्घी में, मैं इनको संभाल लेती हूँ फिर, पहले फिर देखी जाएगी और काम, क्योंकि ये काम मेरा कल से है अटका हुआ, जब तक ये सोया है। कल हमने उधर मामा जी के यहाँ पे जाना है, मासी एक्सपायर हुई थी ना, तो उनकी तेज भी है कल, तो वहाँ पे जाना है हमने, तो इसलिए कल की तैयारी अभी से कर लूँगी क्योंकि सुबह सुबह जाना है। चलिए सामान कपड़े संभालती हूँ पहले। अभी ना मैं शाम को ये कपड़े ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं अपने कुछ मेरे सूट है ना पहने तो जाते हैं नहीं ज़्यादा, इन्हें भी संभाल लेती हूँ क्योंकि अब ठंड भी उतनी नहीं है, कुछ निकाल लूँगी बाहर, लोअर वगैरह जो पहने रहते हैं मैंने गर्म, कुछ संभाल लूँगी। और ये अलमारी मैं अपने ठीक कर रही हूँ, और ये हमारा महाराज जी सोया है अभी, तो इसलिए जब तक ये सोया है ना तब तक कर लेती हूँ। अभी बज रहा है शाम का 7, और शिवा अपने आप खेल रहा है अपनी
डॉल के साथ खेल रहा है अभी। अब मैंने बिस्तर वगैरह सारा अच्छा हो गया मेरा सही, यहाँ पे ना मैंने सेट कर लिया, कल के कपड़े निकाल दिए। और ये यहाँ पे एक वो रखा हुआ था स्टैंड सा प्लास्टिक का, उसमें मैंने ये सामान रख लिया, ये क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं ना अब। ये ओवन के आगे भी जगह खाली हो गई मेरी अब, क्योंकि ये सारा सामान यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। और इसके कल के लिए कपड़े भी निकाल लिए हैं मैंने सिवा के लिए, और कमरा भी साफ़ कर लिया, अभी झाड़ू लगाई, बस कमरा साफ़ कर लिया। और ये आलू बॉईल करे हुए हैं, अब इनको छिलती हूँ, यही काम है। बस रोने लग गया कांगी की, चले लेती हूँ इसे। ये मेरे आलू के पराठे बनाने की तैयारी हो गई है। ये है आलू का मसेटा और ये आटा, और तवा मैंने रख लिया है, चाय का पानी रखा है, लेकिन अभी गैस नहीं जलाई है क्योंकि इनको आने में टाइम लगेगा। पर इनका फ़ोन आया था कि तू जल्दी जल्दी से बना ले, मैं आने वाला हूँ 5 मिनट में। तो बस यही है, बनाती हूँ मैं आलू के पराठे। बस अब हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ, कब तक आते हैं। वैसे तो बोला जा रहा था कि बहुत जल्दी बना ले, मुझे भूख लग रही। चलिए वेट करती हूँ, फ़ोन करती हूँ उनको कि कब तक आएंगे। आज तो पूरे दिन मतलब बिजी था मैं, सामान वान लाए थे, मैं भैया मंडी गए थे कल के लिए सामान लेके आना था, और भी बहुत सामान था जो कल के लिए लेके आना था। और शिवा शिवा कर रहा है अपना, मुझे बोल रहा कि हाथ पकड़ रखा मेरा उंगली, बोल रहा मैं जा रहा तो रो रहा। अब खाऊंगा खाना, क्या बना रखा? क्यों, तुमने जो बोला था, मैं क्या बोला था? जो बोला था क्या बोला था मैंने? पता नहीं है, तुम्हारी फरमाइश का बन रहा है। क्या बना रखा? आलू के पराठे, हैं? आलू के पराठे, हाँ तुमने ये तो बोला था। बन रखे आलू के पराठे, भूख भी मुझे बहुत लग रही है। मैंने तो खा लिया था पराठा आलू का और चाय, और अब ये खा रही है। पहले मैंने कहा इसको पकड़ा, फिर अब ये खा रही है, अब मैं पकड़ रहा इसको। हाँ शिवा, तू नहीं खाएगा? उसकी नजर चाय में है। चाय में? शिवा की नजर है चाय में। शिवा, ओ शिवा, चाय पिएगा? है है, चाय पिएगा? हेलो दोस्तों, खाना पीना हमने खा लिया है और ये रो रहा है क्योंकि इससे ना हमने पापा के साथ खेलना था लेकिन ये सो गए हैं। सो गए, इनको बहुत बहुत थकान लगी है, कल रात भी नींद पूरी नहीं हुई ना, कल ये चले गए थे। कल छोटे मामा है ना हमारे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए जाना पड़े इन्हें। और ये मैं बर्तन धुल रही थी ना, तो आवाज़ लगाने लग गया, फिर मैं बर्तन छोड़ दिए। धुलेंगे धुलेंगे नहीं तो कल सुबह धुल जाऊँ, धुलेंगे अब। बस चलिए, अब गुड नाइट बोल लेते हैं। ये तो सो गए और अब हम भी सो जाते हैं, है ना बच्चों? चलिए सो जाते हैं अब टाइम पे। इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, बस भी ये नींद आ रही है, इससे टाइम पे सो जाएंगे। फिर कल उधर मामा के वहाँ भी जाना है। तो अगर हमारे व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। बस, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड नाइट, गुड नाइट बच्चू, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अभी रात के बज रहे 1:30 और ये अभी तक नहीं सोया।